दिल्ली में क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल के सिपाही, अरविंद केजरीवाल जी के वफादार सिपाही स्कूल बनाने लग गए। बड़े शानदार स्कूल बना दिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में। तो किसी ने जाके बड़े साहब को कहा, मोदी जी को, कि जी स्कूल बहुत अच्छे बन रहे हैं, दिल्ली में तो प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। जो हमने प्राइवेट स्कूलों वाले से ये पैसे वैसे कमीशन लिया था वो रो रहे हैं जी, ये सरकारी स्कूल बनने नहीं चाहिए, ऐसे अच्छे इतने शानदार। तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है, जी मनीष सिसोदिया नाम का एक शख्स है, जेल में डाल दो। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर 15-20 दिन बाद कोई बंदा आया चौथी पास राजा के पास, कह जी अस्पताल बहुत अच्छे शानदार कर दिए अरविंद केजरीवाल ने, कोई दवाई का पैसा नहीं लगता जी, पैरासीटामोल से लेके 40 लाख 50 लाख तक ऑपरेशन फ्री है जी, कुछ पैसा नहीं लगता जी, पार्किंग का भी 1 रुपया नहीं लगता वहां। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हमने बनवाए हैं जी अपने मित्रों के, वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो मरीज ही नहीं आ रहे, सरकारी में जा रहे हैं, ये सरकारी को रोको। तो साहब ने पूछा कौन बना रहा है, कहते जी सतिंदर जैन, जेल में डाल दो। सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया भाई साहब। फिर राज्यसभा में एक बिल आया, वहां पे हमारा एक शेर दहाड़ा संजय सिंह, उसने कहा मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। कहते कौन है, संजय सिंह, जेल में डाल दो। अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जहां देश में जाता है जी भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाता है जी, क्या करें क्या करें, ईडी का नोटिस भेज के जेल में डाल दो। अरे हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। भाजपा की आंधियों को बोल दो अपनी औकात में रहे, ये हमें डराएंगे, हमको डराएंगे, जेल से डराएंगे, हमें ईडी के नोटिस भेजेंगे। अरे क्या ईडी वीडी आपकी, भेजो नोटिस, आप भेजते रहो नोटिस। पंजाब में 42,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं 20 महीने में, सिर्फ 20 महीने में। पटवारी, सब इंस्पेक्टर, क्लर्क, एसडीओ, अभी जाने के बाद भी 10 तारीख को 700 नौकरियों का और नियुक्ति पत्र बांट रहा हूं, 700 नौकरियों का 10 तारीख को चंडीगढ़ जाके बांटूंगा। और पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है जी, बिजली का बिल बिल्कुल जीरो आता है जी। और पंजाब ने एक नई उल्टी गंगा बहाई, आम तौर पे सरकार आती है सरकारी संस्थाओं को घाटे में दिखा के अपने मित्रों को बेच देते हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने 6 दिन पहले सरकारी जो बिजली बोर्ड है हमारा, उसने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीद लिया कि तुम हमसे नहीं चलेगा तो हम चला के दिखाएंगे। ये नियत है भाई साहब, ये अरविंद केजरीवाल की सोच है, ये अरविंद केजरीवाल का खींचा हुआ एक नक्शा है, इस पे चलना है। अगर तो इस पे चल सकते हो तो चल लो, वरना सशिका वरना नमस्कार। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको फेम होना है, फोटो लगवानी है, तो किसी और पार्टी में चले जाओ। हाँ अगर देश की सेवा करनी है, जेल जा सकते हो, जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री बनके भी घाटे में रहना पड़ेगा, तो हम आ जाओ मेरी पार्टी में, आ जाओ जी अरविंद केजरीवाल की पार्टी में।